श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव रिंकू सिंह ने रच दिया इतिहास, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से मैदान पर मचाया कहर। श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय टीम के दोनों खतरनाक विस्फोटक शेयरों ने ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा कर रख दी और आज से 90 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। जो क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह न कर पाए वो सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने कर दिखाया। तीसरा T20 का मुकाबला इतने रनों से जीत लिया जिसको देखकर सुनकर शायद आज भी आप भी एक बार चौंक जाएंगे। सब कुछ आपको पूरा का पूरा लाइव हाईलाइट रोमांचक मुकाबला इस छोटी सी वीडियो में दिखाने वाले हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखते रहिए चैनल पर। अगर आप हमारी पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। भारत वर्सेज श्रीलंका के बीच तीसरे T20 मुकाबले का जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी श्रीलंका के कप्तान ने जीतकर काफी ज्यादा खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि टॉस की बाजी जीत गए इस बार मुकाबला भी हम जीत लेंगे और बल्लेबाजी करने का न्योता हमारी भारतीय टीम को दिया। भारतीय टीम की तरफ से SSV जयसवाल और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए। SSV जयसवाल ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में अपने बल्ले को लहराते हुए पहले एक ओवर में शानदार तरीके से 2 कवर ड्राइव चौके और 1 आसमानी गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। जयसवाल का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा तो वहीं तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज शुभमन गिल ने दूसरे ओवर की 6 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का ठोक दिया। दोनों बल्लेबाज काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में शुरुआती के ओवरों में काफी ताबड़तोड़ तरीके से डटकर बल्लेबाजी करने लगे लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज यहां पर शुभमन गिल महज 14 रन बनाकर के तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर कैच आउट का सामना कर बैठे एक तगड़ा शॉट खेलने के चक्कर में। जब SSV जयसवाल के साथ ही शुभमन गिल आउट हुए तो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज ऋषभ पंत आए। विकेट कीपर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फ्लॉप रहे और यहां पर 14 रन ठोक करके बल्कि नहीं 21 रन ठोक करके आउट हो गए। अब ऋषभ पंत और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज गिल के आउट होने के बाद SSV जयसवाल का साथ देने के लिए मैदान पर हार्दिक पांड्या आए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जिसने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। यहां पर हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 6वें ओवर की 6 गेंदों पर 2 छक्के और 2 चौके ठोक दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी करने लगे। तो वहीं SSV जयसवाल ने तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए 7वें ओवर तक जाते आते यहां पर 41 रन ठोक दिए और तूफानी विस्फोटक अंदाज में डटकर बल्लेबाजी की। लेकिन जब SSV जयसवाल 41 रन ठोक करके आउट हुए तो मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज आया जिसका नाम था सूर्य कुमार यादव। सूर्य वो आंधी है, वो तूफान है, वो चट्टान है, वो जलजला है जिसने मैदान पर आते ही आक्रमक और विस्फोटक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर शायद आज आप भी चौंक जाएंगे। सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 9वें ओवर की 6 गेंदों पर मैदान पर उतरते ही 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। सूर्या की तूफानी आक्रमण विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर तहलका मचा दिया। सूर्या का बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरजने लगा। सूर्य कुमार यादव ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए और काफी बेहतरीन विस्फोटक अंदाज में ताबड़तोड़ तरीके से मैदान पर डटकर बल्लेबाजी की। सूर्य कुमार यादव और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या का भी बल्ला मैदान पर तूफानी विस्फोटक तरीके से गरज रहा था। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 11वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 4 छक्के और 2 कवर ड्राइव की ओर चौके ठोक दिए। हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों बल्लेबाजों को मिलकर जो है आउट करने के लिए श्रीलंका के गेंदबाज और कप्तान एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन इनकी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या दोनों बल्लेबाज काफी ताबड़तोड़ विस्फोटक अंदाज में मैदान पर कहर बनकर टूट पड़े थे। हार्दिक पांड्या ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 3 छक्के और 2 चौके ठोक दिए और हार्दिक पांड्या ने धीरे धीरे 62 रनों की नाबाद पारी खेल डाली। लेकिन फिर भारतीय टीम को 14वें ओवर की 4थी बॉल पर काफी बड़ा झटका लगा जब हार्दिक पांड्या तूफानी विस्फोटक बाजी कर रहे थे लेकिन हार्दिक पांड्या यहां पर 71 यानी कि 71 रन ठोकर के आउट हुए। अब हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद यानी कि आप सभी को बता दें भारतीय टीम की शान जब आउट हुई तो भारतीय टीम को काफी बड़ा झटका लगा क्योंकि यहां पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज फिर यहां पर आ चुके थे क्योंकि हम बात करने वाले हैं सूर्य कुमार यादव के साथ ही रिंकू सिंह की। जब हार्दिक पांड्या आउट हुए तो मैदान पर रिंकू सिंह बल्लेबाजी करने के लिए आए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर खतर मचा दिया। रिंकू सिंह वो तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज है जो महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है जिसने बड़े से बड़े रिकॉर्ड तोड़े हैं। रिंकू सिंह ने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज अपने बल्ले को लहराते हुए ताबड़तोड़ तरीके से छक्के पर छक्के और चौके पर चौके ठोकने शुरू कर दिए। रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में यहां पर श्रीलंका के गेंदबाजों को इस कदर धोया कि वो 7वें जन्म तक नहीं भूल पाएंगे। रिंकू सिंह ने खतरनाक विस्फोटक अंदाज में यहां पर 15वें ओवर की 6 गेंदों पर 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि लगातार गगनचुंबी 6 छक्के ठोक दिए। रिंकू सिंह की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने हर किसी को हिला दिया। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए जब रिंकू सिंह ने तूफानी विस्फोटक अंदाज में 18वें ओवर की 6 गेंदों पर फिर 6 छक्के ठोक दिए।
दिए। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी देखकर हर कोई हैरान था। ऐसा लग रहा था कि क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हो। रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते 20वें ओवर तक जाते आते रिंकू सिंह ने 12 छक्के 31 चौके, तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने यहां पर 18 छक्के और 21 चौके ठोक दिए। इन दोनों विस्फोटक शेयरों ने बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम के सामने पहाड़ सा स्कोर खड़ा कर दिया। जब श्रीलंका की टीम मैदान पर तीसरा टी20 जीतने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने को उतरी तो श्रीलंका की टीम काफी ज्यादा बौखलाई हुई नजर आ रही थी, लेकिन भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज रवि बिश्नोई ने पहले ओवर में बेहतरीन तरीके से एक विकेट चटका दिया और एक बल्लेबाज को सिर्फ 2 ही रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। अब यहां पर फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दूसरा बल्लेबाज। जब यहां पर घातक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे श्रीलंका के बल्लेबाज, तो मैदान पर एक तूफानी विस्फोटक गेंदबाज था जिसका नाम था हर्षदीप सिंह। हर्षदीप सिंह ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए 6वें ओवर की 6 गेंदों पर एक विकेट चटका दिया, लेकिन फिर मोहम्मद सिराज आए। मोहम्मद सिराज वो तूफानी खतरनाक गेंदबाज जिसने मैदान पर उतरते ही तूफानी विस्फोटक अंदाज में तहलका मचाना शुरू कर दिया। मोहम्मद सिराज ने तूफानी विस्फोटक गेंदबाजी करते हुए मैदान पर कहर बरसा दिया और मोहम्मद सिराज ने यहां पर 12वें ओवर की 6 गेंदों पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रीलंका के बल्लेबाज काफी ज्यादा हैरान और परेशान थे, लेकिन श्रीलंका के 2 बल्लेबाज ऐसे थे जो मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे और काफी तूफानी विस्फोटक अंदाज में मैदान पर डटकर बल्लेबाजी कर रहे थे। एक पल के लिए ऐसा लगा कि श्रीलंका की टीम इस मुकाबले को जीत कर ले जाएगी, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाज 161 तो 155 रन ठोक चुका था, लेकिन फिर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक, खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज, आप सभी को बता दें तूफानी विस्फोटक अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ फिरकी भरी गेंदबाजी से कहर बरसा दिया और यहां पर रवि बिश्नोई ने भी 18वें ओवर में 2 विकेट चटका दिए। तूफानी विस्फोटक भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद सिराज, रवि बिश्नोई और तूफानी विस्फोटक गेंदबाज, आप सभी को बता दें यहां पर अक्षर पटेल ने ताबड़तोड़ गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका की टीम को 19 ओवर और 6 गेंदों पर ही ढेर कर दिया, जहां पर भारतीय टीम के तूफानी विस्फोटक गेंदबाज बल्लेबाज ने तीसरा टी20 का मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक से रवि कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।